अतिरिक्त प्रधान सचिव मुख्यमंत्री एवं प्रधान सचिव सतर्कता संजय कुंडू की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय सभागार में मंडी फोरलाइन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फोरलाइन प्रभावितों की समस्याओं व मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में फोरलाइन निर्माण कार्य से प्रभावितों को मुआवजा, पर्यावरण संरक्षण, राजस्व संबंधी मामलों सहित कई संवेदनशील मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संजय कुंडू ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशानुसार फोरलाइन प्रभावितों की समस्याओं के निवारीकरण के लिए विभिन्न स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गत दिनों परिवहन एवं वन विभाग मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में फोरलाइन संघर्ष समिति के साथ सचिवालय में हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी थी और उसी बैठक के लिए लिए गए निर्णय अनुसार आज ये बैठक जिला स्तर पर रखी गई है, जिसमें संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए लगभग 13 मामलों पर चर्चा की गई। उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक को निर्देश दिए हैं कि फोरलाइन प्रभावितों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करके उन्हें संबद्ध हल करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे सरकार के अधिकार क्षेत्र के हैं, जिसके बारे में सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, तथा अन्य कुछ मामलों को प्रशासनिक स्तर पर हल किया जा सकता है, जिसका उपायुक्त द्वारा अवलोकन करने के उपरांत समाधान किया जाएगा। उन्होंने फोरलाइन निर्माण में कार्य कर रही कंपनी के पदाधिकारियों को मलबा निर्धारित डंपिंग साइट में भी फेंकने को कहा, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने फलदार पौधों की कीमत का मूल्यांकन बागवानी विभाग से करवाने के बारे में सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखने की बात भी कही। इस अवसर पर उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने फोरलाइन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा प्रशासनिक स्तर पर प्रभावितों के मुद्दों को हल करने के लिए भी सहमति जताई। बैठक में पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजीव कुमार, उपमंडलाधिकारी मदन कुमार, परियोजना निदेशक राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण कर्नल योगेश सहित लोक निर्माण विभाग, विद्युत राजस्व विभाग के अधिकारी तथा फोरलाइन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों व प्रभावितों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आज हम मंडी में आए, मंडी में डीसी ऑफिस में हमने फोरलाइन संघर्ष समिति के साथ मीटिंग की, जिसमें डीसी साहब भी थे, एसपी साहब थे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी थे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे और फोरलाइन संघर्ष समिति के सारे सदस्यगण थे। उन्होंने अपने मुद्दे उठाए, जिसमें हमने एक के बाद डिस्कशन किया, काफी इश्यूज पे एग्रीमेंट हुआ और उसका रेजोल्यूशन भी हुआ। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो सरकार के लेवल पे डिसाइड होने हैं और हम सरकार के सामने इनको फ्लैग करेंगे। आप जानते हैं कि मंडी के क्षेत्र में दो मेजर नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, एक तो किरतपुर मनाली और दूसरा पठानकोट मंडी। इसमें लैंड एक्विजिशन के कई इश्यूज थे। कुल मिला के हमने जब इनको इश्यूज को सॉर्ट आउट किया, करीब 15-16 इश्यूज हैं और कुछ प्रोसीजरल हैं और कुछ सब्सटेंटिव इश्यूज हैं। प्रोसीजरल इश्यूज हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो सब्सटेंटिव इश्यूज हैं, पॉलिसी इश्यूज हैं, वो सरकार पे हम छोड़ेंगे।